फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में आज भी 5% का अपर सर्किट लगा और स्टॉक निचले लेवल से फिर से करेक्ट होके दौड़ना शुरू हो चुका है। तो कहां तक जा सकता है? क्या जीटीएल इंफ्रा में अभी भी तेजी बाकी है या फिर वापस गिरावट होने वाली है? क्या 1 रुपये से नीचे चले जाने वाला है या फिर 2 रुपीज को क्रॉस करेगा? यहाँ पर बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे छोटे से पेनी स्टॉक में क्या दाव लगाना चाहिए। अगर इसके फंडामेंटल देखोगे तो बहुत ज़्यादा वीक है, रिजल्ट बहुत खराब है, लेकिन इसका विजन बहुत क्लियर है। कंपनी को गवर्नमेंट की पूरी हेल्प मिल रही है और 5G के लिए यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी बेनिफिट निकल के आ रही है। तो यहां पे अगर आप देखोगे लॉन्ग विजन, तब तो निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी के कंडीशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा वीक है। इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से खराब आया है, तो ये आप देखोगे कि रिजल्ट के दम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कंपनी के कारोबार को देख के निवेश किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें जिनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आगे हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है, पूरे वॉल्यूम में ये बाजार के अंदर नंबर 4 पे आ चुका है। और इस बड़े वॉल्यूम की वजह क्या है, क्यों इतना इसमें खरीदारी हो रही है, तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार की क्या संभावना बन रही है आगे, क्या तेजी जारी रहने वाली है या फिर बड़ी गिरावट होगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SV दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करेंगे तो BSE सेंसेक्स फिलहाल 55,102 पर है, जहां पे 464 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 0.84% की लगभग गिरावट है, 1% के आसपास बाजार गिरा है। अगर ये देखें तो जैसे जैसे बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ पे दबाव बन रहा है, लेकिन दिन भर यहाँ पे अगर देखो शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन अभी बाजार क्लोज हो रहा है, यहाँ पे दबाव बन रहा है, तो हो सकता है कि गिरावट थोड़ी बड़ी हो। और इसके पीछे वजह यह है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बाकी ओवरऑल बड़ी गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं है, बाजार ने अपने बॉटम को दिखा दिया है। चलते हैं जीटीएल इंफ्रा की तरफ, तो स्टॉक 1.35 पर आ चुका है जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। तो इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 26 मई को ये 1.15 की इसने लो बताई, यानी लगभग आप देखो तो निचले लेवल से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। और इस बार ये लगता है स्टॉक थोड़ा ऊपर जा सकता है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 95 पैसे का 52 वीक का लो है, 4.05 52 वीक का ही है, फिलहाल स्टॉक 1.35 पर है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी गिर गया। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 3 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम था, लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त फिर से 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है तो ऊपर सर्किट लगने की वजह से वॉल्यूम यहाँ पे रुका, वरना आज वॉल्यूम में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आज बहुत ही ज़्यादा खरीदारी हो रही है जीटीएल इंफ्रा में। अगर इसके BSE के वॉल्यूम की बात करें तो 3,46,66,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,93,68,000 की डिलीवरी रहेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 55.87% है। बात अगर हम NSE की करें तो 4,74,52,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,78,37,000 की डिलीवरी रहेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 79.74% है। तो बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस काम हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार अभी शुरू है, 3 बजे के आसपास का टाइम है, यहाँ पे सेलर कोई नहीं है, लेकिन बायर अभी भी फिलहाल 3,60,00,000 बायर खड़े, तो इसका मतलब बहुत भारी संख्या है। सर्किट खुलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे आ चुका है, तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है उनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ आएगा यहाँ पे बड़े फंडाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। सुबह बाजार शुरू होते ही 9:16 पर 1.35 की प्राइस से करीब 21,51,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और उसके बाद में उसी समय यानी 9:16 पर ही 1.30 की प्राइस से 22,44,000 शेयरों की डील हुई। तो ये आप देखोगे ये दोनों डील मिला के कम से कम 43 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई है, और यहाँ पे इस बड़ी डील के माध्यम से माल खरीदा गया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 9:18 पर 1.35 की प्राइस से 28,48,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और फिर 9:20 पर 15,04,000 शेयरों की डील हुई। तो यहाँ पे देखोगे तो सुबह सुबह बाजार खुलते ही बहुत बड़ी बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद में 9:22 पर 1.35 की प्राइस से 23,77,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, फिर 9:23 पर 1.36 की प्राइस से 21,04,000 शेयरों की एक और डील हुई। तो ये आप देखोगे लगातार सुबह बहुत सारी बड़ी डील हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे तुरंत ही अपर सर्किट लगा। फिर 11:14 पर 1.36 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई, और इस डील के माध्यम से माल खरीदा गया। फिर उसके बाद 11:24 पर 1.35 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और उसके बाद यहाँ पे 1:03 पर करीब 1.35 की प्राइस से 29,61,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर उसी समय यानी 1:03 पर ही 1.35 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो ये आप देख लो करीब 50 लाख शेयरों की, तो ये बड़ी डील है, और ये आप देखोगे जो बड़ी बड़ी डील हुई इसके माध्यम से यहाँ पे अपर सर्किट लगा। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं निचले लेवल से।
अब काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल निकल के आते हैं, क्या जी टी एल इंफ्रा डिलिस्ट होने वाली है, कंपनी बंद होने वाली है? तो फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि जी टी एल इंफ्रा डिलिस्ट होगी, बल्कि ये आप देख लो कि जी टी एल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, क्योंकि जी टी एल इंफ्रा के पास पूरे हिंदुस्तान में 28,000 टावर है इनके पास, और आप देखोगे तो इनका 22 सर्कल में कामकाज है। तो यहाँ पे आप देखो तो 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, और 5G टेक्नोलॉजी भी पुराने जो टावर है उनके ऊपर ही इस्टाब्लिश होने वाले हैं, जो भी मशीनरी है वहीं पर लगने वाली है, तो इसके लिए कोई अलग से टावर नहीं लगाए जाएंगे। तो जहाँ पे जो टावर है उसी के ऊपर वो 5G की टेक्नोलॉजी शुरू होने वाली है। तो काफ़ी लोगों के मन में वह आ रहे थे कि क्या 5G टेक्नोलॉजी जी टी एल के पास आएगी कि नहीं, जी टी एल इंफ्रा की उसको बेनिफिट मिल पाएगा कि नहीं। तो सीधी बात है कि उसको मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह पे क्या पूरे हिंदुस्तान में आप देखोगे तो लगभग शेयरिंग टावर चलते हैं, यानी एक टावर होता है लेकिन उस पर आपको जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन सबके ही वहाँ पे सेटअप दिखाई देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो शेयरिंग टावर का सिस्टम है वो इसका यहाँ पे चलता है, दूसरी कंपनियों को सर्विस देती है ऑलरेडी जी टी एल इंफ्रा। तो यहाँ पे आने वाले समय में जियो वाले हो या फिर एयरटेल जिस क्षेत्र में होंगे उसी क्षेत्र में वहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा, तो सीधा फायदा मिलने वाला है जी टी एल इंफ्रा को 5G का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलायंस जियो ने ड्रोन से सर्विलांस भी शुरू कर दिया है एरिया को चूज़ करने के लिए, कौन से टावर पे उनको पहले 5G सर्विस शुरू करनी है। तो ऐसे में जिस एरिया में जी टी एल इंफ्रा के टावर होंगे उनको बेनिफिट सीधा मिलने वाला है, और ये आप समझ लो कि जल्द से जल्द 5G आने वाली है, क्योंकि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया है कि हम 5 से 6 महीने में पूरी तरह से सर्विस को शुरू करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो आप समझ लो कि जल्दी इसका ऑक्शन होगा, और जैसे ही स्पेक्ट्रम जिसको मिल जाएगा नीलामी में, उसके बाद वो अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, और लगभग सबने अपनी ट्रायल कर लिया और सब सक्सेसफुली ट्रायल हो चुकी है। तो जल्द ही यानी आने वाले अगस्त सितंबर में से हमें सर्विस की सुविधाएं मिल जाएगी 5G की, और आने वाले समय ये जो 5G है ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो ऐसे में जितनी भी टेलीकॉम टावर कंपनियां उनका भविष्य भी उज्ज्वल हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जी टी एल इंफ्रा एक बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, आप लिस्ट में अगर देखोगे तो इंडस टावर के बाद में सेकंड नंबर जी टी एल इंफ्रा का है, जिनका मजबूत कामकाज है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो मार्च 2021 में 371 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था, जून 2021 में 362 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, सेप्टेम्बर 2021 में 364 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, और दिसंबर 2021 में 371 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, मार्च 2022 में 366 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। तो अगर इनके रेवेन्यू को देखोगे तो पिछले साल एक साल से लगातार एक जैसा ही बना हुआ है, जहाँ पे कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता होती है इसके प्रॉफिट लॉस में। आप देखो तो पिछले मार्च में इनको 683 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, लेकिन लॉस जून में कम हुआ, 217 करोड़ रुपीज़ तक रह गया, और सेप्टेम्बर में 2021 में और लॉस में कमी आई, वो 207 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। दिसंबर 2021 में इन्होंने लॉस और कम किया और 197 करोड़ रुपये तक लॉस पहुंच गया, लेकिन इस बार पूरा का पूरा गणित उलट गया और मार्च 2022 में बहुत ही भयंकर यानी 853 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हो गया। और ये जो लॉस हुआ इसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा डर लगता है कि कंपनी कहीं पूरी तरह से डूब न जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा लॉस है, हो सकता है कंपनी अपने कारोबार को चला न पाए। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को बचाया था, तो इस तरह से अभी फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों के डूबने की संभावना कम है, और ये भी टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है, तो सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है। और 5G के लिए इस समय टावर क्षेत्र में तो हर किसी को टावर और बढ़ाने की जरूरत है, न कि कम करने की। तो ऐसे में कंपनी फिलहाल डूबने की संभावना तो कम लग रही है, लेकिन फिर भी कंपनी अंदर से बहुत ज़्यादा वीक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो इनके लॉस बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे में यहाँ पे रिस्क ही आपको लेना है, ये समझ लो कि अगर इसमें दाव लगा रहे तो पूरा रिस्की है, हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा या फिर आपको बंपर रिटर्न मिल सकता है। तो रिस्क के साथ लिमिटेड निवेश यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनका नेटवर्थ भी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा है, मार्च 2021 में 1,287 करोड़ रुपीज़ का था, जो सेप्टेम्बर 2021 में बढ़कर 1,710 करोड़ रुपीज़ माइनस में चला गया, और मार्च 2022 आधे दिन का नेटवर्थ माइनस 2,746 करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका नेटवर्थ माइनस में चला गया। अब यहाँ पे देखें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल नहीं के बराबर है, 3.33% की होल्डिंग है, यानी प्रमोटर पूरी तरह से यहाँ पे नहीं के बराबर है, ऊपर से जो शेयर है वो भी गिरवी रखे हुए। तो इस मामले में भी बहुत वीकनेस है स्टॉक के अंदर। बात है अगर FI की करें तो 1.90% की होल्डिंग सेप्टेम्बर और दिसंबर में तो थी, लेकिन मार्च में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम करके 1.38% कर लिया, तो FI ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम कर लिया है। DI की बात करें तो 59.79% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, दिसंबर में घटकर 51.72 हुई, और फिलहाल मार्च में 49.94% की होल्डिंग हुई। तो यहाँ पे DI की होल्डिंग भी घटी है, जो थोड़ी सी चिंताजनक बात है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है, सफिशियंट। अदर्स की बात करें तो 35.06% की होल्डिंग सेप्टेम्बर थी, 43.05 हुई दिसंबर में, फिलहाल 45.35% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इस स्टॉक के वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। अब यहाँ पे रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 71% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 58% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर के हिसाब से 28% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 मंथ के हिसाब से 20.59% की गिरावट,
वन मंथ के हिसाब से 6.90% की गिरावट, वन डे के हिसाब से 3.85% की तेजी, यानी 5% की तेजी। तो यहाँ पे अगर गिरावट देखें तो कोई इतनी बड़ी गिरावट इसमें नहीं हुई है, क्योंकि तीन महीने के हिसाब से देखें तो 20% की गिरावट है, जो लगभग बहुत सारे बड़े स्टॉक में भी है। और पिछले एक साल के हिसाब से अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो अभी भी उसको 20% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। तो बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो तो वीकनेस अभी जारी है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉस बता दिया है और आगे संभावना पॉजिटिव तो बनी हुई है। तो यहाँ पे 50-50 है, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो तो इस स्टॉक में दाव लगाइए, वरना इसमें से निकल जाइए। यहाँ पे अगर आप देखो तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है, 79% बाय की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 18% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देखो 100 में से 97% इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1.27 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.23 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो 1.22 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1.32 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 1.33 स्टॉक जाएगा और वहाँ पहुँच गया फिर 1.37 तक भी जा सकता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि स्टॉक कमाल करे, जिस तरह से 5G टेक्नोलॉजी के लिए सरकार ने अपनी तरफ से राहत के द्वार खोले, इसका फायदा इसको मिल सकता है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तभी निवेश करें, शॉर्ट टर्म में फिलहाल निवेश न करें, क्योंकि स्टॉक मुझे लगता है कि फिर लोअर सर्किट के चक्कर में भी पड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।